सो फ्रेंड्स आपण माने जानि रखंतु आसंता 21 तारिख रु खुलिबो स्कूल तबे स्कूल को केउ माने जिबे एवं केउ माने जिबेनी केउ दिन केउ माने जिबे एवं बॉयज एवं गर्ल्स भितर कोन फरक रहिची बॉयज माने को दिन दिबे गर्ल्स माने को दिन जेबे केउ श्रेणी रु पिला माने केउ दिन जिबे कोन सब परिवर्तन रहिची कोन नुवा नियम रहिची संपूर्ण डिटेल्स आपण मानको एई वीडियो माध्यम रे जणेबी यदि वर्तमान पर्यंत आपण हमर चैनल को सब्सक्राइब करना हती तबे सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी सब्सक्राइब करियंतु एवं साइड रे बेल आइकन टिक प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करंतु एवले लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे पाइबो पई सो चलंतु आज वीडियो को स्टार्ट करनवा आसंता सेप्टेम्बर 21 तारीख रु खुलिबो स्कूल एथिपई केंद्र सरकार जारी करछंती मार्गदर्शिका सो फ्रेंड्स आपण माने जानि रखंतु 21 तारीख रु खुलिबो स्कूल जोथिपई के बहुत सारा नियम रही छे जो माने कि जेउ छात्र छात्रे माने स्कूल को आसीबे से माने गार्डियन को ठारु परमिशन नै के आसीबे एवं एथि सहित शिक्षक छात्र छात्री माने 6 फुट डिस्टेंस मेंटेन करके शिक्षा अध्ययन करेंगे यही भाव में बहुत सारा नियम रही जो नियम को मानवाक पड़ो तेब कौन सब नियम रही प्रथम आपण मानक गोटे गोटे कहूँ प्रथम तो रही स्कूल रे पढ़ा आरंभ है ऑनलाइन और दूरशिक्षा कार्यक्रम अव्याहत रर्थात आपण मैंने जाणि रखु जदि आपणकर स्कूल खुलू आपण स्कूल जाऊँगी शिक्षक स्कूल पढ़ाऊँ तेज से ही पाठ को आपण मानक ऑनलाइन मध्यम भी जहाँ पढ़ा जाऊला पूर्वर से ऑनलाइन मध्यम भी कंटिन्यू करा जीवो सेकेंड आपण मानक रही केवल नवम और द्वादश श्रेणी अर्थात केवल नवम रु द्वादश श्रेणी मैंने प्लस टू छात्र छात्री मैंने स्कूल को जाई परिबे एवं स्कूल को जीवा पई मध्य आहुरी मध्य नियम रही तृतीय रे कोन रही जानंतु ना स्कूल को आसीबा पई छात्र छात्री मानंको अभिभावक थारु लिखित अनुमति आनिबा को पड़िबो यदि आपण स्कूल आसुचंती ताले आपणकर पिता माता अभिभावक थारु स्कूल को आसुचंती बोले लिखित गुटे दरखास्त जेमति लेखंती सेमति आपण मानंको लेखिबा को पड़िबो एथिपई आहुरी मध्य चतुर्थ नियम रही कोन ना कंटेनमेंट जोन रे रह छात्र शिक्षक कर्मचारी को स्कूल आसवाक अनुमति मिलना जदि आपण मैंने कंटेनमेंट जोन एरिया मध्य रोचा आपण छात्र हूँ शिक्षक हूँ जदि आप छात्र होता कंटेनमेंट जोन रे रोचा तेब स्कूल को आसी पारे जदि आप शिक्षक होती आप कंटेनमेंट जोन रे रोचा तेबे मध्य आपण आसी पारे ना एवं पंचम नियम रही स्कूल खोली सॉरी आपण मैंने जाणी रखंतु स्कूल खोलिबा पूर्वर श्रेणी कोठरी परिसरागार शौचालय ए सब को भल भाव सफा करा कि पंचम नियम रही आहरी षष्ठ नियम कथा जदि आम कथा देखते आपण मानकर षष्ठ नियम रही जो स्कूल गुड़िक क्वांटेनमेंट सेंटर होता जहाँकि सरी जो स्कूल गुड़िक क्वारेटाइन सेंटर होता सेटार अधिक भल भाव मानने सफा कर जाणि रखु आपण मान स्कूल कलेज सबकि सफा हम तापर एक तारिख पूर्वर जो स्कूल कॉलेज गुड़िक कंटेनमेंट जोन रही सेठारे अधिक भल भाव सफा करने को पड़ो कहीं पिला द्वारा जदि सफा न हो आपण मैंने जानते अधिक कोरोना वैक्सीन तो बाहर अधिक परिमाण में भाइरस टी व्यापी एवं अधिक परिमाण में रोग बढ़ सप्तम नियम हूँ शिक्षक निमन्ते 50% शिक्षक और अणशिक्षा कर्मचारी को ऑनलाइन शिक्षा निमन्ते व्यवहार करा जीवो अर्थात आपण माने जानंतु 50% शिक्षक कॉलेज को आसीबे स्कूल कॉलेज आसी परंतु एवं 50% आउ जे रेस्ट रहिले से माने ऑनलाइन शिक्षा ही प्रदान करिवे एवं जो माने कॉलेज आसीबे से माने मध्ये ऑनलाइन शिक्षा करिवे किंतु 50% शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा पई निहाती निर्दिष्ट करा जीवो एवं अष्टम नियम कथा जदि आमे कहिबा बायोमेट्रिक्स उपस्थापन परिवर्ते कॉन्टैक्ट स्पेस जहाँकि आपण माने जानंतु कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेस माने आपण माने जानंतु बायोमेट्रिक्स मीन्स आपण मानकर फिंगरप्रिंट माध्यम आपण मानकर अटेंडेंस निया जाउतला सेटा परिवर्तन आपण मानकर फेस को देखि आपण मानकर अटेंडेंस जेमिति नै होबो सेही व्यवस्था करा जीवो एवं नवम नियम जदि कथा हबा आपण मानकर नवम नियम रही छै कोनोसी परिस्थिति रे छात्र शिक्षकंकर दूरता आपण मानकर रहिबो 6 फुट
ଯାହାକି ରହିଛି 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ 10ମ ନିୟମ ରହିଛି, ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯଦି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ 11ନମ୍ବର ନିୟମ ଯଦି କଥା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସ୍କୁଲରେ ଖେଳକୁଦ ସଭା ସମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିସେସ୍ ରହୁଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ବି ବହୁତ ସାରା ପିରିୟଡ଼ କଲେଜରେ ଫାଙ୍କା ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତି କିଛି ଆରେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ 12ନମ୍ବର ନିୟମ ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିମ୍ ଯାଇପାରିବେ। ଯାହାକି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଜିମ୍ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ, ମାତ୍ର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ଅନେକ କଲେଜ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, କେବଳ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୋଲା ରହିବ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଥିଲା। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବଂ 13ନମ୍ବର ନିୟମ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 13ନମ୍ବର ନିୟମ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା 14ନମ୍ବର ନିୟମ, 14ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଉଛି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଥର୍ମାଲ ଗନ୍, ପେପର ଟାୱେଲ, ସାବୁନ, ସାନିଟାଇଜର ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପଲସରି ଏଇଟା ରହିଛି 14ନମ୍ବର ନିୟମ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା 15ନମ୍ବର ନିୟମ, ସ୍କୁଲରେ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସଂକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ 16ନମ୍ବର ନିୟମ ରହିଛି, ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପିବ, ଏହା ସହ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଶେଷ ରହିଛି 17ନମ୍ବର ନିୟମ ରହିଛି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୁରା ଯାହାକି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜର ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି 17 ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପରେ। ତେବେ ଏଇଆ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।